नमस्कार दोस्तों, JVS किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू मटर गोभी की रेसिपी एकदम नए और आसान तरीके से, जो कि आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर गोभी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आलू लिए हैं, 700 ग्राम गोभी का फूल लिया है और मैंने 250 ग्राम हरी मटर ली है। हम सबसे पहले गोभी को काट लेंगे, डंडियों को हटा देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने गोभी को काट के साफ पानी से अच्छे से धुल लिया है। दोस्तों इस डंडी को काट कर जरूर डालें, क्योंकि असली टेस्ट इसी डंडी से आता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस डंडी को फेंक देते हैं, आपको फेंकना नहीं है, इसको जरूर डालना है। हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची को तोड़ कर डालेंगे, 2 साबुत सूखी लाल मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन को भी डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे, गोभी को डाल देंगे, हरी मटर को भी डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनको 10 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ अदरक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4 हरी साबुत मिर्च, मसाला फूल, थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई। अब मिक्स करेंगे। अब इसको मीडियम गैस पर और 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हम थाली को हटा लेते हैं। अब 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट इसको हम बिना ढके ही पकाएंगे। आलू मटर गोभी की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और इसको खाने के लिए प्लेट में परोस लेंगे। देखिए आलू गोभी मटर हमारी बन के तैयार हो चुकी है, कितनी मस्त बनी है। आप भी अपने घर पर बनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें।